हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 2। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। According to the questions, let the one number is x. हमने one number, first number को हमने क्या assume कर लिया? x. A positive number is 5 times another number. One number जो हमने x assume किया, तो second number हमारे पास उसका then the second number is given number ka kitna times 5 times, it means 5x. after that if 21 is added to both the numbers, 21 dono numbers mein add karne ke baad kya aayega? dekhiye 21 is added both the numbers, 21 दोनों नंबरों में ऐड करते हैं, x प्लस 21 फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा x प्लस 21 एंड सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 21। दोनों नंबर में 21 ऐड कर देते हैं। जब हमने फर्स्ट नंबर x अज्यूम किया, सेकंड नंबर हमारे पास 5x, इसका 5 टाइम्स इट मींस 5x। सो सीधी सी बात है, तो गिवन नंबर में से स्मॉल नंबर तो x होगा और लार्ज नंबर क्या होगा? 5x, इट मींस x is less than 5x, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब आगे देखो, रीड करते हैं, then one of the new numbers becomes twice the other new number. 21 ऐड करने पर जो नया नंबर बनेगा, इट मींस उसका एक नंबर का ट्वाइस दूसरे नंबर के इक्वल होगा 21 ऐड करने पर। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल नंबर 21 और 21 दोनों में ऐड किया, इट मींस ये स्मॉल नंबर है और ये लार्ज नंबर है, तो स्मॉल नंबर को जब आप ट्वाइस करोगे तभी तो वो लार्ज नंबर के इक्वल आएगा। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखकर आपको ट्वाइस किसको करना है? स्मॉल नंबर 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू में 5x प्लस 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपके पास हो गया, स्मॉल नंबर को आप जब ट्वाइस करोगे तभी तो वो लार्ज इक्वल है। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन करिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 2x प्लस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 इक्वल टू 5x प्लस 2x, 5x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2x प्लस का 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5x एंड 21 प्लस का 42 के अंदर ट्रांसफर करेंगे माइनस का 40। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, LHS पार्ट में वेरिएबल्स होते हैं और RHS पार्ट में कांस्टेंट होते हैं। RHS में हमने वेरिएबल सिखाया था तो उसको लेकिन ट्रांसफर करने पर उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस करते हैं माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में, इट मींस अपोजिट साइन हो जाते हैं ऑलवेज। तो प्लस का 5x के अंदर किया तो माइनस का, ये कांस्टेंट टर्म्स LHS में हमें दिखाई दिए तो प्लस का 42 इधर ट्रांसफर होगा। अब देखिए बड़ी वाले डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो रिजल्ट तो माइनस में आना है, 5x में से 2x माइनस करेंगे 3x। ऐसे यहाँ पर बड़ी वाले डिजिट माइनस 42 है तो माइनस का रिजल्ट आना है, 42 में से 21 माइनस करेंगे 20, दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई होती है किसमें पहुंच जाएगी? डिवाइड में, 21 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 से बन जा 20, इट मीन्स जो x की वैल्यू आई है हमारे पास क्या आई है? 7। लेकिन जो हमने नंबर अज्यूम किए थे, फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर 5x, वापस उसमें पुट करना होगा, देन द वन नंबर इज सेवन
एंड द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर इज 5 मल्टीप्लाई 7 5 7 जा 13 दैट इज इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं. अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. जो नंबर अमीना ने सोचा उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5/2. सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. सी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर. तो हमें नंबर फाइंड करना है. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट द नंबर, वो नंबर हमें फाइंड करना है तो हम उस नंबर को अज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर इज एक्स. जैसे इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 2.2 में भी डिस्कस किए थे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं और जो गिवन नहीं है उसे हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ऐसे ही ये भी गिवन हमारे पास लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें अटेंड करना है. लेट द नंबर इज एक्स. अब रीड करेंगे. अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर. अमीना ने कौन सा नंबर थिंक किया, एक्स. एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. अब जो गिवन नंबर हमने अज्यूम किया एक्स, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5/2. ये कर दिया सब्ट्रैक्ट. सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से. ये कर दिया मल्टीप्लाई 8 से. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 3 टाइम्स मिलेगा जो हमने नंबर अज्यूम किया उसी का ही 3 टाइम्स. इट मीन जो नंबर हमने अज्यूम किया x और इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x. ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो इक्वेशन ये बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. अब देखिए 8 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 5/2 से भी मल्टीप्लाई होगा. सिंपलीफाई कर लेते हैं. x मल्टीप्लाई 8 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3x. 2 से 8 कैंसिल हो सकता है. 2 1 2 2 4 8 जो हो गया 8x माइनस 5 4 20 इक्वल टू 3x. प्लस के 3x को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 20 को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है कॉन्स्टेंट पार्ट वेरिएबल पार्ट. ऐसे ये 3x वेरिएबल पार्ट प्लस के इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस, और माइनस 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस. इंटरचेंज करने पर साइन अपोजिट हो जाते हैं, आप जानते ही हो इसके बारे में. 8x माइनस 3x, 8x में से 3x माइनस करेंगे 5x इक्वल टू 20. अब देखिए x के मल्टीप्लाई में 5 है, आगे किसमें ट्रांसफर करने को किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में. दैट मीन्स x इक्वल टू 20/5. अब 20 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 5 5 4 20. इट मीन्स जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 4. x की वैल्यू 4 हमारे पास आई है और 4 क्या था, वो गिवन नंबर. हेंस अमीना थिंक्स ए नंबर इज 4. अमीना ने कौन सा नंबर थिंक किया, नंबर 4. दैट इज आंसर.